वांछित बहुजन अघाड़ी के प्रत्याशी का मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से प्रचार हुआ तेज। कदम रहेंगे देखो, चुनाव में अगर जीत हो गई तो इंशाल्लाह जो गोंडी के लिए जो बेहतर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज नहीं है, यहाँ की जो चौकी बनी हुई थी, यहाँ की चौकी ट्रांसफर हो गई माड़ा में हो गई, वो चौकी को हम लोग लेके आएंगे ऑफिस से शिवाजी नगर चौकी के अंदर। यहाँ पे हम लोग रिहैब बनाएंगे, नशे में जो बच्चे ये हो गए उनके लिए रिहैब बनाएंगे कि बच्चे भी सुधर सकते। गोंडी हमारा इतना बुरा नहीं, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट लोग है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, हर टाइप के आदमी लोग है, जो माशा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो IPS भी कर रहे हैं, यहाँ पे IPS भी बन के आए अल्हम्दुलिल्लाह, तो सॉरी IRS भी बन के आए। तो मुझे उम्मीद है कि गोंडी के अंदर भी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। यहाँ पे खाली नशा ही नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी चालू है, यंग स्टार खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिशियन की तरफ से कुछ नहीं हो रहे। इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह कॉलेज है डंपिंग हटाएंगे और SMS कंपनी को इंशाल्लाह बंद करके दिखाएंगे हम लोग, जो बहुत बहुत सी और से समस्या इंशाल्लाह दूर करेंगे लोगों के लिए हम लोग। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से वांछित बहुजन अघाड़ी से गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह लेकर चुनावी मैदान में उतरे हाजी मोहम्मद सिराज सैफ का चुनावी प्रचार प्रसार विधानसभा चुनाव में एक खास असर देखने को मिल रहा है। चुनाव के दौरान क्या कुछ कहा मोहम्मद सिराज ने, आइए हम दिखाते हैं। सिराज भाई, चुनाव के महज कुछ दिन बचे हैं और लगातार रैलियां और प्रदर्शन की गई आपके द्वारा, किस तरीके का प्रतिसाद मिला आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है। रिस्पांस इसका है कि मेरे काम का है, जो मैंने काम किया था 2012 से लेकर 2017 के बीच में, आज वही काम का मुझे फल मिल रहा है और इन लोगों के 15 साल का इन लोगों को फल मिल रहा है कि क्या है करके। तो मुझे दिख रहा है कि माशाल्लाह पूरे आवाम मेरे तब रुझान पूरा है मेरा, और देखो अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे उम्मीद है पूरी कि यह बार इंशाल्लाह ऊपर अल्लाह फतेह करेगा। आप इससे पहले एक नगर सेवक के रूप में, वाकई कार्य सम्राट नगर सेवक के रूप में आपको कहा गया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जो नगर सेवक का क्षेत्र होता है एक सीमित क्षेत्र होता है और विधानसभा का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखो, जैसे हम नगर सेवक में लड़ा था तो वो टाइम पे एक वार्ड था, अभी समझो 7 से 8 वार्ड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अनुभव तो है पहले से ही, और छोटा मोटा तो चलता रहता, थोड़ी मेहनत ज़्यादा ही हो रही है क्या, और माशाल्लाह के लोगों का मसला गोंडी और कितनी तकलीफ में और क्या है, ये सब हमारे सामने आ जा रहा है, और इंशाल्लाह डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चालू है, और अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग फतेह भी है, कामयाब भी है और विन भी हो इंशाल्लाह हो जाएंगे, कि लोगों का जो प्यार है, जो मेरे साथ में जो मेरा काम दिख रहा है, कि वो मैंने एक वार्ड के अंदर जो मैंने काम करके दिखाया, जैसे हॉस्पिटल्स है, गार्डन्स है, 1 रुपये शादी का हॉल है, शहीद स्मारक है, जो मैंने एक वार्ड के अंदर, तो सीमित वार्ड के अंदर मैंने इतना काम करके दिखाया, जो पूरे 6 से 7 वार्ड के अंदर नहीं है, तो उसका मुझे लाभ बहुत मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं भाई आपके वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है, तो इसका मुझे बहुत माशाल्लाह लोगों की मोहब्बत और प्यार मिल रहा है। लेकिन लगातार मीडिया में जो दिखाई दे रहा है, मानखुर्द शिवाजी नगर में 2 दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, वो दोनों जो है बाहर के, और मैं इनका घर का हूँ, यहाँ के रहवासी हूँ, यहाँ पे 80% लोगों को मैं जानता हूँ, जो गोंडी के रहे और रहने वाले, यहाँ के बच्चे को, उनकी माँ को, उनके घर वाले, उनके अब्बा को, उनके दोस्त लोग है, सब अल्हम्दुलिल्लाह 80% लोगों को जानता हूँ, और लोगों के बीच में हमेशा पहले भी था और अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा, और इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे और काम के आगे मैं जीत के आऊँगा। 2 दिग्गज लड़ रहे, ये इनको अभी आराम करना चाहिए, लड़ लड़ के थक गए, उनके 80 साल हो गए दोनों के, अब वो बेचारे कुछ चलने नहीं हो रहा उन लोगों को, तो अभी हम लोग जो चलने वाले उनको मौका देना चाहिए हम लोग आवाम को, और आवाम मौका दे रही है कि मैंने मेरा काम ही मेरी पहचान है। मुसलमान यहाँ चुनावी मैदान में उतरे जहाँ तक की हमें जानकारी है, और किस तरीके से आप कहेंगे मुस्लिमों का किस तरीके से प्रतिसाद रहेगा आपको 16 प्रत्याशियों के बीच? देखो, फॉर्म भरने वाले तो बहुत है, कोई 200 का है तो कोई 500 वोट ले लेगा, कोई 1000 वोट ले लेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माशाल्लाह एक मुस्लिम बहुत बड़ा तबका है यहाँ पे, मुस्लिम भाई हमारे, जय भीम भाई वाले, हिंदू भाई, सब मिलके एक बड़ा तबका है, और ये बार उन लोग काम को वोट देंगे, ये बार काम को वोट देंगे, ये ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, लोगों को मांगता काम करने वाला है। यहाँ पे मुसलमान आमदार रहने के बाद 15 साल में क्या काम हुआ लोगों को मालूम है, और इंशाल्लाह, और मैं 5 साल में था, मैंने क्या काम किया ये भी लोगों को मालूम है, तो लोग जो है मुझे मेरे साथ जुड़ रहे,
और मेरा साथ दे रहे, क्यों मेरा काम ही मेरी पहचान है उनको मेरे, अभी हर जगह पे अभी भी मैं पूरा विजिटी था मेरा, तो वो जगह पे मैं जब मार्जी लाड़की बहन योजना था उसका जो 40,000 फॉर्म भरे हम लोग ने, जो 40,000 औरतों का फॉर्म भरे जिसमें 38,000 को पैसा आया, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों की औरतों के बीच में मेरा बहुत मोहब्बत है कि वो चाह रही है कि माशाल्लाह बदलाव होना चाहिए। जो मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे स्कूल वाले, मेरे क्लास वाले मेंटर हैं, जो हम लोग एक साथ जो पढ़े लिखे यहाँ पे, हिंदू भाई मुसलमान सब साथ में रहे। आप देखो बगल में आपके पीछे एक मंदिर है, इधर में एक मंदिर है, इसके पीछे एक मंदिर, ये प्लॉट के अंदर एक मंदिर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम साथी, अब देखो वो भी भाई है हमारे, हिंदू भाई है, तो ऐसा कोई नहीं है। हिंदू भाई मुसलमान भाई सब हम लोग साथ खड़े हैं। और ये विकास के तरफ का इलेक्शन है, गोंडी का इलेक्शन है, ये बाहर वाले का और गोंडी वाले का एक इलेक्शन है। एक तरफ में पैसे वाले का इलेक्शन है और एक तरफ में विकास और गोंडी का, यहाँ के स्थानीय का उम्मीद है ये इलेक्शन है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये टर्म में गोंडी स्थानीय को चुनेगी और गोंडी का रहवासी को चुनेगी, जो काम करने वाला है और जो सेकुलर है और जो लोगों का काम करता है।